बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो जो है वो आज हम जो है जनरल साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। तो इसको हमने एक जगह पे कंपाइल करा है और इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी। और ये पर्टिकुलरली जो है वो SST और SST के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए, जो जनरल साइंस कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है वो हमारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है, कैरेट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन ए। उसके बाद है, फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ डिश इज एसेंशियल। तो टीथ की फॉर्मेशन के लिए जो है वो फ्लोरीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है वो आ चुका है काफ़ी सारे पेपर्स में। उसके बाद है हमारे पास डिफिशियंसी ऑफ डिश कॉजेज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पुअर ग्रोथ। तो जो है अगर जो है वो जिंक की जब डिफिशियंसी होती है तो उसमें जो है वो भूख कम लगती है और जो है ग्रोथ भी जो है वो रुक जाती है। उसके बाद हमारे पास मेट्रोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ, तो ये एटमॉस्फेयर होगा इसमें ना। उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना होता है बाय वॉल्यूम, ये आ चुका है पेपर में, ये है 0.039। उसके बाद हमारे पास द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर, तो विटामिन ए के जो सोर्सेज होते हैं वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसके बाद सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर सीड्स। तो देखें अब हमने जो है वो कितनी चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा कि विटामिन ए का जो सोर्स है वो क्या है, वो कैरेट है। इसी तरह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो है सोर्स क्या है, वो सीड्स हैं। इसी तरह से विटामिन ए का जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी जो है वो सोर्स हैं। तो ये आप लाजमी याद रखें। फिर इसी तरह से सी का भी आ सकता है कि सी का जो है वो गुड सोर्स क्या होता है, तो वो है फिश फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो ये सवाल आप लाजमी देखें, ये आ रहे होते हैं हर पेपर में। उसके बाद है हमारे पास द गुड सोर्सेज ऑफ आयोडीन आर, तो ये सी फूड्स। इसी तरह से लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसी तरह से, या नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं कॉमनली। और इसी तरह से ऑक्सीजन का सोर्स, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, तो वो वाटर होता है। उसके बाद हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट जिससे जो है वो हम विंड स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं, तो वो है एनीमोमीटर। उसके बाद है द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल आर कंपोज्ड ऑफ, तो ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। फिर ये आसान है कि एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज़ मेजर्ड इन, तो ये कैलोरीज में मेजर हो रहा होता है। इसी तरह से विंड एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह से मेट्रोलॉजी का जो फाउंडर है वो कौन है, अरिस्टोटल है। फिर उसके बाद हमारे पास ये सवाल आता है कि वाटर, ये आसान है बहुत, कि वाटर कितना हिस्सा जो है वो कवर्स डैश ऑफ अर्थ सरफेस, तो वो 71% जो है वो कवर कर रहा होता है। इसी तरह से इन जनरल विंड स्पीड ऑफ 10 to 13 किलो पर आवर कॉज डैश माइनर, या जो है वो कोई डैमेज नहीं करवाता। उसके बाद एसिड रेन इज़ मेनली कॉज्ड बाय एमिशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आ चुका है काफ़ी सारे पेपर्स में। उसके बाद हमारे पास अबाउट 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट इंक्लूडिंग वाटर्स ऑन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज़, तो वो ऑक्सीजन है। उसके बाद हमारे पास द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इंटू डायरेक्ट करंट, एसी से जो डीसी में जो है वो कन्वर्जन हो रही होती है, वो डिवाइस कौन सा होता है, वो है रेक्टिफायर। उसके बाद हमारे पास डैश आर कॉल्ड पावर हाउसेज ऑफ सेल, तो वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है वो सवालात आ रहे होते हैं इसी से रिलेटेड। और भी हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं जो कि हम कंपाइल कर रहे हैं जनरल साइंस के, जो जो रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसको हम कंपाइल कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।